और बुलेटिन में अब बात राजस्थान में सीमा पार्ट टू की करेंगे। किसी ने सच ही कहा है कि प्यार किसी बंधन का मोहताज नहीं होता, और इसकी जीती जागती मिसाल है पाकिस्तान के लाहौर की महविश। अपने प्यार के लिए महविश सारे बंधन तोड़कर चूरू के गांव पीथीसर पहुंच चुकी है। महविश का कहना है कि उसने साल 2022 में पीथीसर के रहमान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निकाह किया था और अब वो उससे मिलने पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंची है। ये रिपोर्ट देखिए। एक मशहूर शेर है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली महविश को प्यार की कशिश हिंदुस्तान तक ले आई। दो बच्चों की मां महविश चूरू के पीतीसर गांव के रहमान को दिल दे बैठी। पहले फोन पर प्यार हुआ और साल 2022 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक दूसरे से निकाह कर लिया। रहमान भी दो बच्चों का पिता है, लेकिन पत्नी से अनबन के चलते दोनों अलग रहते हैं। महविश के ससुराल वाले उसे वाघा बॉर्डर से लेकर रतन नगर थाने पहुंचे, जहां पाकिस्तान की दुल्हन से पूछताछ कर दस्तावेजों की जांच की जा रही है। हमारी मुलाकात हुई थी 2022 में, हमने शादी की है, तो 2023 में मैं उम्रे पे गई थी सऊदीया में, फिर उधर जाके मौलवी ने निकाह पढ़ाया था हमारा। इंडिया में अपने ससुराल वालों के पास आई हूँ, मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, रहमान के साथ नहीं रहती। कभी मिली भी नहीं रहमान से? मिली हूँ, सऊदी बताया, सऊदी उम्रे पे एक महीने के लिए गई थी, उनके पास रही हूँ। एक महीने तक साथ रही थी, और फिर आपका यहाँ आने के लिए मन कैसे बना? मैं अपने ससुराल वालों को मिलना चाह रही थी। वहाँ से इस्लामाबाद से कैसे आए आप? वाघा बॉर्डर से आई हूँ। कब चले थे? अभी 45 दिन का वीजा मेरा। बकौल महविश, वो जब 2 साल की थी तब उसकी माँ चल बसी, वो जब 12 साल की हुई तब पिता का इंतकाल हो गया। 10 साल से ब्यूटी पार्लर में काम कर गुजारा कर रही थी। साल 2006 में खुर्रम शहजाद नाम के शख्स से शादी हुई, जिससे 12 और 7 साल के 2 बच्चे हैं। महविश की माने तो साल 2018 में पति से तलाक होने के बाद वो बिल्कुल अकेली रह गई, और फिर उसकी जिंदगी में रहमान की एंट्री हुई। साल 2020 में IMO पर दोनों की जान पहचान हुई, दोनों एक दूसरे से फोन पर लंबी बात करने लगे, और फिर एक दिन दोनों ने फोन पर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निकाह कर लिया। हालांकि न्यूज 18 के पास इस बात के कोई सबूत नहीं है। पासपोर्ट और वीजा है, और उसी वीजे पर आई है, 45 दिन का वीजा। और किस तरह की हिदायत दी गई है इनके परिजनों को? परिजनों को ये हिदायत दी गई है कि आप कहीं भी रेस्ट्रिक्टेड प्लेस पे नहीं जाओगे, और 24 घंटे में ये कि आप थाने पर वो किए यदि मोबाइल सूचना दोगे। तो ये लड़की क्यों आई है, किससे शादी की है इसने? ये रहमान से शादी की है, और उसके यहाँ पर क्या है कि अपने ससुराल आई है। महविश की जिंदगी के खालीपन को रहमान ने भरने का काम किया, और रहमान की तन्हाइयों में महविश सरगम बनकर आई। दोनों का प्यार परवान चढ़ा। महविश की माने तो अपने बहन और बहनोई से बातचीत कर उसने रहमान को शादी के लिए प्रपोज किया, जिसके 3 दिन बाद साल 2022 में महविश ने रहमान से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शादी कर ली। फिलहाल रहमान कुवैत में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय कर रहा है। साल 2023 में महविश उमरा गई, जहां रहमान भी पहुंच गया, और दोनों ने मक्का में निकाह किया। महविश नाम की लड़की है, पाकिस्तान की रहने वाली है, और ये भी शादीशुदा, और रहमान भी शादीशुदा है, और इसके भी एक बच्चा, रहमान के भी 2 बच्चे हैं। इनका डिस्प्यूट, रहमान का और उसकी बीवी का जो डिस्प्यूट था, उसके चलते इसने और 2022 में इनका और फोन पे इनका विवाह हुआ है पाकिस्तान के किसी शहर में, और ये कुवैत में रहता है। उसके बाद में भारत सरकार में इसने अप्लाई की, और भारत सरकार ने इसका वीज़ा इशू किया है, और वीज़ा लगा के ये लीगल तरीके से बाघा बॉर्डर से कल आई। तो मेरे परिवार का मामला है, तो इन लोगों ने मेरे को कहा तो मैं अपनी गाड़ी लेके वहाँ से इस बच्ची को रिसीव करके, हम लोग परिवार के 10-5 लोग गए थे, उस बच्ची को रिसीव करके हम यहाँ ला के थाने में इसकी तस्दीक करवा रहे हैं, तस्दीक के बाद हम गांव लेके जाएंगे। पीतीसर का रहमान कुवैत में ट्रांसपोर्ट का काम करता है, उसका छोटा भाई सलीम गांव में ही रहता है, जबकि पिता अली शेर खेती करते हैं। रहमान की शादी साल 2011 में भादरा के फरीदा के साथ हुई। रहमान के 2 बच्चे हैं। शादी के बाद रहमान की अपनी पत्नी से अनबन हो गई, फिलहाल फरीदा अपने पीहर भादरा में रह रही है। परिवार को भी इस निकाह का पता साल 2023 में चला, जब दोनों ने सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर की। बहरहाल महविश 45 दिन के टूरिस्ट वीजा पर भारत आई। सरहद पर खड़े ससुराल के लोग उसे निजी वाहन से लेकर रवाना हुए,
और फिर सरदार शहर में एक रात रुककर उसे गांव पे तसल ले आए। लेकिन वो जब तक हिंदुस्तान की सरजमीन पर है, लोगों के मन में कई सवाल है। सवाल ये है कि आखिर महविश दो बच्चों के पिता से शादी करने को तैयार क्यों? दूसरा ये कि जब उसका पति कुवैत में है तो उसे हिंदुस्तान आने की जरूरत क्यों पड़ी? महविश के भी दो बच्चे हैं, वो किसके पास है? न्यूज 18 राजस्थान के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट।